चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं गजेंद्र कुमार वर्मा आज आपके लिए एक ऐसा प्रैक्टिकल लेके आया हूं फ्रेंड्स, जो बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाला है। फ्रेंड्स कैसे शानदार होने वाला है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि घरों के अंदर जो है आजकल चोरियां बहुत ज्यादा होने लग गई, तो उन चोरों को पकड़ने के लिए और उनसे बचने के लिए हम ये प्रैक्टिकल आज आपके लिए लेके आए। तो फ्रेंड्स जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स ये प्रैक्टिकल होने क्या वाला है, ये प्रैक्टिकल ऐसा होने वाला है फ्रेंड्स कि सिर्फ आपको 100-200 रुपए खर्च करके लाखों रुपए, अपने लाखों करोड़ों रुपए बचा सकते हो फ्रेंड्स, अपने ज्वेलरी बचा सकते हो। कैसे? आप इसको उस जगह लगा सकते हो जहां पर आप अपने पैसे रख रखे हो, या फिर आप इसको घर के बाहर या जैसे आपका मेन डोर होता है वहां लगा सकते हो, ताकि जैसे ही नाइट हो या कोई चोर जैसे एंट्री करने की कोशिश करे तो ये हमारे को इंडिकेट कर दे कि हमारे जैसे रूम में या हमारे घर के अंदर कोई एंट्री कर रहा है और हम जल्दी से जाके उसको पकड़ ले। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इस जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर होने क्या वाला है। तो इसके अंदर होने क्या वाला है, इसके अंदर होने वाला है हमारे पास ज्यादा महंगी चीजें नहीं है फ्रेंड्स, मात्र 2-2, 3-3 रुपए की ये कोई हमारे पास छोटे छोटे पुर्जे होने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर है मेरे पास, एक यहाँ पे डायोड है, एक यहाँ पे मेरे पास डायोड है, एक यहाँ पे 1K का प्रतिरोध है। मैं आपको वीडियो के अंदर बताता जाऊंगा ये क्या क्या चीजें, नीचे दिखाता जाऊंगा कि कौन सी चीज कितने क्षमता की है, ठीक है फ्रेंड्स। एक यहाँ पे हमारे पास 12 वोल्ट की रिले होने वाली है, एक यहाँ पे हमारे पास PIR सेंसर होने वाला है फ्रेंड्स, PIR सेंसर जैसा कि आप पहले वीडियो में देख चुके होंगे। एक यहाँ पे हमारे पास बजर होने वाला है और यहाँ पे एक हमारे पास 12 वोल्ट का DC चार्जर होने वाला है। तो इन्हीं की सहायता से हम आज एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जो बहुत ही फायदेमंद है। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट की तरफ। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने इसका कनेक्शन कर लिया है आपने वीडियो में देख लिया होगा, और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं वीडियो के एंड में इसका सर्किट डायग्राम आपको दे दूंगा। फ्रेंड्स जो ये मैंने सर्किट बनाया है तो इसको हम ऐसे तो नहीं खुला लगाएंगे, इसको हम एक काम करेंगे, हम एक बोर्ड ले, यहां से बॉक्स ले लिए छोटा, हम इसको पूरे सर्किट को इसके अंदर पैक कर लेंगे ताकि हमारे लिए एक तो ज्यादा बिखरे नहीं और सेफ्टी से इसके अंदर रहे। आप ऐसा बॉक्स ले सकते हो या कोई PVC का बना सकते हो, मार्केट में छोटे बॉक्स भी अवेलेबल है, आप वहां से भी परचेस कर सकते हो आपके सुविधा अनुसार। तो जैसे कि फ्रेंड्स हमने इसको बॉक्स में पैक कर लिया है, इधर मैंने इसका बजर निकाल दिया, यहाँ सेंसर हो गया हमारा और यहाँ पे हमारा ये 12 वोल्ट का DC चार्जर। तो हम करेंगे अब इसकी टेस्टिंग और टेस्टिंग करके फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है। जैसे कि फ्रेंड्स हमने देख लिया था कि जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है उसको हमने एक बॉक्स के अंदर पैक कर लिया था, अब हमने उसका इंस्टॉलेशन कहाँ करा है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ।
तो जैसे कि आप अभी यहाँ देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पर एक्चुअली फ्रेंड इसके पर्दे के जस्ट पीछे मैंने यहाँ पे वो मोशन सेंसर लगा दिया है और यहाँ ये मेरा मेन डोर हो गया। जैसे हम अगर कोई चोर मेन डोर से एंटर करता है कैसे भी करके लॉक तोड़ के जैसे एंटर करता है, मेरा PIR सेंसर जो लगाया मैंने वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और एक साइरन बहुत तेजी से बजेगा जो कि घर में जो भी कोई सदस्य होगा उसको इंडिकेट कर देगा। तो देख लेते हैं हम ये किस तरीके से वर्क करता है एक बार। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया था अपना जो प्रोजेक्ट बनाया वो, अब मैं अपना डोर जो है वो लॉक कर दिया है। अब मैं जैसे इसको एक बार खोल के देखता हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट जो है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा अच्छे से, तो मैं इस डोर को खोलता हूँ और खोलते ही जो मेरी बीप है या PIR सेंसर है वो मोशन सेंस करेगा और सेंस करते ही अपनी जो बीप है वो बजाने, यानी कि जो बजर लगाया मैंने वो आवाज करने लगेगा। तो मैं ओपन करता हूँ गेट, तो जैसा कि फ्रेंड्स आपने देखा कि किस तरीके से हमारा मोशन सेंसर है वो वर्क कर रहा है, तो एक बार मैं हाथ के मूवमेंट से भी देख लेता हूँ कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि पूरा जाने के बाद वर्क करता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि देखा कि हाथ के इशारे से भी ये मोशन है जो मेरा वर्क कर रहा है अच्छे से।